हे गाइज, गुड मॉर्निंग, वेलकम टू माई न्यू ब्लॉग। तो गाइज, फाइनली बहुत टाइम के बाद हमारे चैनल पे Q&A आ गया है। मतलब कुछ मैंने क्वेश्चंस आपके लिए हैं, जो कि इंस्टाग्राम पे मैंने बोला था कि पूछ लेना। तो हाँ, कुछ मैंने क्वेश्चंस पिक किए आपके, जो कि मतलब बहुत लोग कमेंट्स भी पूछते रहते हैं। तो हाँ, आज इस वीडियो में आंसर देंगे। तो चलो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन जो कि सबसे ज़्यादा पूछा गया था, आपकी शादी कब होगी, आपकी शादी कब होगी, आपकी शादी कब होगी। सब मेरी शादी करवाने में लगे हैं अभी से। ऑलमोस्ट 50% लोगों ने यही पूछा है, शादी कब होगी, शादी कब होगी, शादी कब होगी। तो अभी मैं शादी वादी के बारे में सोचता भी नहीं हूँ, बिकॉज मैं 22 साल का हूँ, तो 4-5 साल बाद होगी शादी। हाँ, बस यही सीन है। और होगी भी तो मैं ब्लॉग में नहीं दिखाऊंगा, ये मैं पहले बोल रहा हूँ। सीधा बोलो ना, पंडित ढूंढ रहे हो शादी कराने के लिए, हवन कराने के लिए। और ये क्वेश्चन ना मुझे काफी सब्सक्राइबर्स मिलके पर्सनली बोलते हैं कि आपकी शादी कब होगी, आपकी शादी हो गई है, ये वो। भाई मैं बच्चा हूँ, अभी बहुत छोटा हूँ, अभी मुझे एक्सप्लोर करना है, अभी मुझे बहुत कुछ करना है। तो इन चीज़ों के बारे में अभी नहीं सोचता हूँ, क्योंकि अभी तो लाइफ में बहुत कुछ होगा, बहुत लोग आएंगे और बहुत अभी बहुत अचीव करना है अभी तो। तो हाँ, शादी वादी अभी कुछ नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, तब का तब देखे जाएगी। क्योंकि अभी तो यार 5-6 साल में पता नहीं ब्लॉगिंग चलेगी भी, यूट्यूब चलेगा क्या, तो इन चीज़ों के बारे में मैं सोचता ही नहीं शादी वादी। ठीक है, तो ये मेरा आंसर था शादी के रिलेटेड। ठीक है, बाकी पीयूष के हम कराने वाले जल्दी। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है पार्थ की तरफ से कि कुनाली का रियल नेम क्या है। इसको हम कुनाली कुनाली बोलते हैं ना, इसका नाम कुनाली नहीं है रियल में, इसका नाम है नकुल, नकुल जोशी। कुनाली तो मतलब बचपन से ऐसे बोलना शुरू कर दिया था, तो कुनाली बोलते हैं, वैसे नकुल है। रियल नेम तो हमारे भी अलग है। बताऊं, मेरा नाम है मोहित, मोहित जोशी। इसका नाम है गौरव जोशी। मेरा नाम है राहुल जोशी। इसका नाम है राहुल जोशी। इसका नाम पीयूष नहीं है, इसका नाम राहुल है। मेरा नाम सौरभ नहीं है, इसका नाम पीयूष नहीं है। साल लगा नहीं है। वो बचपन में ऐसे रख दिए थे, बोलना शुरू कर दिया था, तो हो गया, रियल नेम नहीं है। तो गाइस, आज से है मोहित जोशी व्लॉग्स, मोहित जोशी व्लॉग्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है जसवंत सिंह का, विच इज योर ड्रीम प्लेस। मेरा ड्रीम प्लेस ऐसा है जहाँ पे सुकून हो और जहाँ पे बहुत सारे एनिमल्स हों, डॉग्स हों, स्पेशली मुझे डॉग्स से बहुत प्यार है, तो मुझे डॉग्स के साथ में रहना है, उनकी केयर करनी है, नेचर में रहना है। आपको बता हुआ, मैं पहाड़ों में घूमता रहता हूँ, मैं कभी बोर नहीं होता पहाड़ों से और एनिमल्स से और डॉग्स से। तो हाँ, ऐसी जगह हो जहाँ पर डॉग्स और बहुत सुकून मिलता है उनको देख के, इतने प्यारे से होते हैं ना डॉग्स। चलो कुनाली से पूछ के देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कुनाली के लिए है नीरज भंडारी की तरफ से। कुनाली की गर्लफ्रेंड है, बताओ है नहीं है? नहीं है, बस बता दिया गाइस, नहीं है, नहीं है, किसी की नहीं है, हम तीनों में से, हम चारों में से। क्या गाइस, ये हमेशा मेरे जिनने शादी के लिए पूछा उनकी शादी ना हो। ओहो, मेन क्वेश्चन आ गया जिसके लिए आप आए हो। माय यूट्यूब इनकम अमरारम ने बोला है, प्लीज ब्रो जवाब देना, आपकी एक महीने की यूट्यूब इनकम कितनी है। तो मैं मतलब अप्रोक्स बता सकता हूँ, क्योंकि यूट्यूब गाइडलाइन के खिलाफ है। मेरे 13 मिलियन सब्सक्राइबर हो गए हैं, हर वीडियो पे ऑलमोस्ट 5 मिलियन व्यूज आ जाते हैं मेरे, और डेली वीडियो डालता हूँ। तो मेरी कितनी अर्निंग होगी, मेरी इतनी अर्निंग है कि मैंने हम मार्स पे एक लैंड ले सकते हैं। जी हाँ गाइस, आपने सही सुना, हम जल्दी ही मार्स पे शिफ्ट होने वाले हैं और आपको वहाँ के एलियन से मिलाएंगे। तो गाइस, नेक्स्ट क्वेश्चन है हर्ष की तरफ से, पीयूष की फेवरेट कार कौन सी फेवरेट कार है? मेरी है रेंज रोवर इवोक। मेरी तो फॉर्च्यूनर ही है। मेरी है मैक्लारेन। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है साई की तरफ से, योर नेक्स्ट कार और बाइक। तो गाइस, मेरा तो कोई प्लान नहीं है अब कोई भी कार खरीदने का, ना ही कोई बाइक खरीदने का, क्योंकि मेरे को फॉर्च्यूनर चाहिए थी, फॉर्च्यूनर मिल गया अपनी मस्त पहाड़ों के लिए, सही है ऑफ रोडिंग के लिए, और मेरे को कोई भी मतलब शौक नहीं है मेरे को गाड़ियों का, बस मेरे को फॉर्च्यूनर चाहिए थी, फॉर्च्यूनर मिल गई बस। मैं लूंगा। और बाइक भी नहीं, बाइक भी अपने पास है, बाइक लूंगा पक्का। मैं कार लूंगा जब 18 साल। मैंने एक बाइक लेनी है बढ़िया सी। ये दोनों लेंगे अपने लिए, बस मैं तो नहीं लूंगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हेनू सैनी की तरफ से, भैया आप आगे जाकर लाइफ में क्या करना चाहते हो? तो गाइज, मैं तो काफी कुछ करना चाहता हूँ, मैं अपने चैनल को और ग्रो करना चाहता हूँ और सोशल वर्क करना चाहता हूँ और स्पेशली डॉग्स के लिए काफी कुछ करना चाहता हूँ मैं। तो हाँ, मेरे तो यही प्लान्स हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कालू की तरफ से, व्लॉग में सक्सेस होने के लिए क्या करें? तो अगर मैं अपने एक्सपीरियंस के हिसाब से बताऊं, व्लॉग में सक्सेस होने के लिए कुछ यूनिक करो। मतलब मैंने देखा है यूजुअली जो नए नए ब्लॉगर्स आ रहे हैं वो मेरी तरह व्लॉग्स बना रहे हैं, सेम सिंपल व्लॉग्स मेरे को कॉपी कर रहे हैं। मतलब इवन जो चीज़ जिस तरह से मैं खा रहा हूँ, जिस तरह से मैं अपने व्लॉग में दिखा रहा हूँ कि मैं रोटी सब्जी किस तरह से दाल चावल खा रहा हूँ, बिल्कुल सेम वही कर रहे हैं अपने फैमिली के साथ में, सेम वैसे, चाहे रियल में वैसे नहीं होंगे तो मेरे को लोग देखते हैं, बिकॉज मैं स्टार्टिंग से वैसा ही हूँ। अगर आप वो चीज़ कॉपी करोगे, सेम करोगे, तो वो आपको नहीं देखेंगे। तो आप जैसे हो ना, रियलिटी दिखाओ, जैसे आप हो वैसे ब्लॉगिंग करो, अपनी लाइफस्टाइल सेम वैसी दिखाओ, आपको अपनी ऑडियंस मिल जाएगी, अपनी तरह की ऑडियंस जो आपको देखना चाहती है, आपकी लाइफस्टाइल को देखना चाहती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आयुष की तरफ से, पीयूष की कोई क्रश है प्लीज़ पिक माई क्वेश्चन। जिसको तू पसंद करता है? पसंद मैगी, मैगी, मैगी इज माय लाइफ एंड वर्ल्ड, सब मैगी है, ये करेगा शादी मैगी के साथ ही। नेक्स्ट क्वेश्चन है मिस्टर सरवन का, भाई यार साहिल भाई को भी ले लिया करो वीडियो में। भाई मैं कोई देखो जबरदस्ती तो ले नहीं सकता, अब मैं जहाँ हम जाते हैं ट्रैवल करते हैं तो साहिल आ जाता है साथ में, ये मतलब बोलता नहीं है क्योंकि ये फंबल कर जाता है कुछ बोलता है तो ज्यादा ज्यादा अपने ब्लॉग में भी।
तो अब पीयूष खुद मैं पीयूष को भी कोई लेता थोड़ा हूँ कि पीयूष तू बोल ये कर नहीं। काफी लोग एक क्वेश्चन था मैं बताता हूँ, दोनों का साथ में आंसर करेंगे। मिल गया प्रवीण शर्मा की तरफ से है, इफ यू हैव चॉइस टू चूज पीयूष और कुनाली होम यू चूज फॉर कॉन्टेंट। भाई ये क्या बात हुई, पीयूष या कुनाली में से मुझे किसी को चूज करना है कॉन्टेंट के लिए, तो मैं किसको चूज करूंगा, कौन मुझे कॉन्टेंट देगा। गाइज ऐसा कुछ भी नहीं है कि मैं कोई जबरदस्ती थोड़ा ना बोलता हूँ इनको कि तुम मेरी वीडियो में आओ मुझे कॉन्टेंट दो, मतलब ये आते हैं खुद, जैसे मेरे भाई हैं हम साथ में रहते हैं तो वीडियो बनाते हैं बस। अब साहिल ज़्यादा बोलता नहीं है तो बस वो नहीं आता, बस सीधी सी बात है, ऐसा कुछ नहीं है, खुद ही बोलता है। मैं कुछ जबरदस्ती मुँह पे कैमरा लगा के तू बोल अभी खुद बोलता है, जो डायलॉग्स हैं जो भी चीज़ें बोलता है व्लॉग में ये खुद बोलता है। और कुनाली देखो, कुनाली देखो अब उसको कोई मतलब नहीं है, वो अपना खेल रहे हैं वहाँ पे मस्त अपना, वो देखो उधर वो देखो। तो अब मैं कोई जबरदस्ती थोड़ा ना बोलूँगा कुनाली को कि तू आ तू मेरी वीडियो में बोल ये बोल, जो भी कुनाली बोलता है या पीयूष बोलता है साहिल बोलता है वो खुद बोलते हैं अपने हिसाब से बोलते हैं। मैं इनको कभी नहीं बोलता कि तू मेरे व्लॉग में आओ जबरदस्ती ये करो वो करो। आपने कई व्लॉग्स में ये भी नोटिस किया होगा कि पीयूष आता ही नहीं है पूरे व्लॉग में, उस दिन पीयूष और मेरी लड़ाई होती है। मैं व्लॉग में बोलता नहीं कि हमारी लड़ाई हो गई है, लेकिन हमारी खतरनाक वाली लड़ाई होती है तो पीयूष नहीं आता। कई बार मैं मार्केट जाता हूँ तब मैं साहिल को लेकर जाता हूँ तो पीयूष को लेकर जाता हूँ, बिकॉज पीयूष के साथ में कई बार मेरी लड़ाई हो जाती है तो पीयूष कहता है मैं नहीं आता, तो पीयूष नहीं आता भाई, सीधी सी बात है। अगर हम तीनों भाइयों के बीच में लड़ाई नहीं है तो हम तीनों आते हैं व्लॉग में, अदरवाइज किसी बात को लेकर लड़ाई है तो हम नहीं आते, बस वो लड़ाई या फिर वो बातें मैं व्लॉग में नहीं दिखाता हूँ, बिकॉज वो सारी पर्सनल होती है हमारी, वो हम हाथापाई भी करते हैं बहुत सारी चीज़ें करते हैं वो व्लॉग में नहीं दिखा रहे, या फिर बहुत बार काम भी होता है हमको, बहुत बार काम भी होता है कोई बिजी होता है तो नहीं आता बस। तो ऐसा कुछ नहीं कि साहिल को नहीं लेता हूँ मैं, पीयूष को लेता हूँ, कुनाली को लूंगा, इन दोनों में से किसको लूंगा इसको लूंगा, ऐसा कुछ नहीं है। बाकी छोटा है ये बोलता है डायलॉग्स मस्त बोलता है जो कि आपको पसंद आते हैं, इसलिए बस इसलिए कंटेंट बन जाता है मतलब कोई हम जबरदस्ती नहीं बनाते, कोई स्क्रिप्टेड नहीं बनाते हम, यही है बस सिंपल। अरे क्या कर रहा है अब देखो जो भी हरकतें कर रहा है ये खुद कर रहा है, अब इसमें आपको हंसी आएगी तो इसमें कंटेंट खुद ही दे रहा है ये। नेक्स्ट क्वेश्चन है यश की तरफ से, आपकी नाक में कितने बाल हैं, नाक में कितने बाल हैं भाई, वो तो गिनने पड़ेंगे भाई। चलो हटाओ नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है दिवेन की तरफ से, आपने कभी किसी को झगड़ा किया है मारने पीटने वाला? नहीं जी, लड़ाई झगड़ा तो होता है सिर्फ हम भाइयों के बीच में, बाहर तो कभी किसी के साथ में हमने लड़ाई झगड़ा नहीं किया है क्योंकि डर लगता है भाई हम पीट के आ जाएंगे, लेकिन हम तीनों एक दूसरे को पीट देते हैं, फुल पीटते रहते हैं भाई घर में, सच्ची बता रहा हूँ, ब्लॉग में भी दिखाता हूँ थोड़ा थोड़ा, लेकिन ज्यादा नहीं दिखा सकते ना फिर वो कम्युनिटी गाइडलाइंस के खिलाफ हो जाएगा, लेकिन लड़ाई खतरनाक होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है इट्स REX777 की तरफ से, पीयूष दिन में कितनी गेम खेलता है? अगर मैं ऑनेस्टली बताऊँ ना, खेलता ही नहीं है पीयूष, खेलता ही नहीं है पीयूष, खेलता है मुश्किल से एक घंटा, वो भी कभी कभी वो भी वीडियो बनाने के लिए, तो मतलब ये मैं सोचता हूँ कि पीसी दे रखा है तो हाँ पीसी पूरा दिन पीसी चलाता रहता है, ऐसा कुछ नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है डीसी का, डज पीयूष हैज हिज ओन बैंक अकाउंट ऑन हिज चैनल? इसका कोई बैंक अकाउंट नहीं है, इसके पापा का है, तो जो भी इसके चैनल पर अर्निंग होती है वो सारे इसके पापा के बैंक अकाउंट में जाती है, चाचा जी के अकाउंट में जाती है जितनी भी अभी तक अर्निंग हुई है। नेक्स्ट क्वेश्चन है नारंग की तरफ से, कुनाली से पूछो कि उसका फेवरेट भाई कौन सा है। कुनाली इधर आओ, इधर आओ, जल्दी बताओ आपका फेवरेट भाई कौन सा है। कुनाली फेवरेट भाई कौन सा है? चॉकलेट दूंगा, चॉकलेट भाई तीनों में से। तो गाइस कुनाली तो पीयूष की साइड हो गया, कह रहा है पीयूष मेरा फेवरेट भाई है, ललचाया उसको गेम दिखा के ललचाया। नेक्स्ट क्वेश्चन है रोहित भट्ट की तरफ से, जब आप स्टार्टिंग में ब्लॉग करते थे तो लोगों का क्या रिएक्शन रहता था? स्टार्टिंग में ब्लॉग करता था ना, देखो ऐसे करता था ना, हेलो गाइस, तो अभी गाइस मैं आया हूँ यहाँ पे, पीछे नदी है और देखो यहाँ पे पेड़ है, पेड़ में यहाँ पे पत्ते लगे हैं, पत्ते हिल रहे हैं और पत्ते गिर भी रहे हैं और हवा चल रही है गाइस, यहाँ पे देखो गाइस यहाँ पे तार लगे हैं, तारों में से यहाँ पे देखो तारों में पतंग अड़ी हुई है और गाइस यहाँ पे भाई क्या बोल रहा है, हवा में क्या बोल रहा है, हवा में किससे बात कर रहा है? मैं हवा में नहीं भाई ब्लॉग बना रहा हूँ, कुछ भी क्या होता है, ब्लॉग तू बनाएगा, ब्लॉग ठीक है, खाली लगा रहा था फोन में, पढ़ाई कर जा, पढ़ाई कर जा, चल आइए भाई, इसका नाम रख दे भाई। तो गाइस ये यहाँ पे कुछ इसको मारेगा, भाग रहा है, भाग गया तो
तो गाइज आई थिंक आज के लिए इतना ही काफी है, कुछ क्वेश्चंस के आंसर मैंने आपको दे दिए, बाकी नेक्स्ट क्यू एंड ए वीडियो में देंगे, तो आप इस वीडियो में कमेंट कर देना तो नेक्स्ट क्यू एंड ए वीडियो में जल्दी ही ला दूंगा। तो आई होप आपको पसंद आई होगी, पसंद आई तो लाइक कर देना एंड चैनल पे नए हो सब्सक्राइब कर देना और क्वेश्चन डाल देना और क्या क्या वीडियो हम बनाएं, कौन से चैलेंजेस तीनों भाई करें, सब कुछ आप डाल सकते हो कमेंट बॉक्स में। तो मिलते हैं गाइस जल्दी ही नेक्स्ट वीडियो में, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, बाय।